ठीक है। चलो हमको y का क्या निकालना है, x कोऑर्डिनेट 1, आगे क्या निकालना है y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, x की वैल्यू 1 पुट करो आप अर्थ इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलता है y कोऑर्डिनेट। पॉइंट का पॉइंट फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन ऑफ कर्व। कर्व का इक्वेशन क्या था, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है सर, ठीक है बोलो। तो x स्क्वायर 1 पुट कीजिए, 1 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2 इनटू 1 माइनस 4y, 1 प्लस y स्क्वायर माइनस 2 माइनस y स्क्वायर माइनस 4y, 1 प्लस 1 2 2 2 कैंसिल, y कॉमन y माइनस 4, y इक्वल टू 0 आएगा या y माइनस 4 इक्वल टू 0, y इक्वल टू क्या आएगा बोलो। बोलिए y इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर कितनी रहेगी 1, इसका मतलब पॉइंट का पॉइंट क्या होगा 1 कॉमा 0 एक पॉइंट। दूसरा x स्क्वायर तो 1 ही है, y पॉइंट कितना रहा है 4। ठीक है, इस तरह से पूछे आपको मिले दो पॉइंट्स, और क्वेश्चन में क्या होना है, इन दोनों पॉइंट पे आपको क्या निकालना है, टेंजेंट्स और नॉर्मल के इक्वेशंस। बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो बोलिए जैसे एक पॉइंट पे निकाल के देना, मैं आगे आप नोट निकालोगे। बोलिए क्या निकालना है आपको, ये इन्हीं पॉइंट पे क्या निकालना है, टेंजेंट का इक्वेशन। पहले टेंजेंट का स्लोप पता है आपको, टेंजेंट का स्लोप का मतलब डिवाइड बाय एक्स, और डिवाइड बाय एक्स की वैल्यू कितनी होगी 0, बराबर। इसका मतलब टेंजेंट का स्लोप कितना है 0 है, और टेंजेंट का इक्वेशन निकालना है 1,0 पे। तो बोलिए स्लोप कितना लेना है, स्लोप दोनों कंडीशन में कितना लेना है 0। तो बोलो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 1,0 फॉर्मूला, y1 कितना है 0, m 0, y इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक है, ये दूसरा हो गया, ये टेंजेंट का इक्वेशन। आगे टेंजेंट का इक्वेशन में नॉर्मल भी बोला है, टेंजेंट से बोला शायद नॉर्मल राइट हम निकाल सकते हैं, ग्राफ से ग्राफ से समझ में आएगा। चलो दूसरा पहला पॉइंट है, दूसरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन सा पॉइंट है 1,4, और भी y माइनस y और y में कितना है 4, m टू 0 इक्वल तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू कितना मिल रहा है 4। ये टेंजेंट, ये तो कॉमन सेंस की बात है, दोनों टेंजेंट एक्स एक्सिस को पैरेलल है, तो ये टेंजेंट वाई एक्सिस को कट करेंगी 1,2, 1,2 सर्कल का सेंटर ऊपर था 1,2, और फिर उसमें भी 2, तो वाई इक्वल टू 4 और इधर 0। ठीक, ये नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देंगे। क्वेश्चन नंबर 5, तो 5 क्या हो रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब पहले के बदले क्या हो रहा है, नॉर्मल नॉर्मल टू द कर्व 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 8 व्हिच आर पैरेलल टू लाइन x प्लस 3y इक्वल टू। ये गरीब कर्व का इक्वेशन, चाहे जनरली वाले पहचानेंगे इस कर्व को, ये है हाइपरबोला की कर्व, ठीक है, ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में क्या हो रहा है, जैसे कोई भी कर्व होगी क्या हो रहा है, क्वेश्चन समझाओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, बराबर। जैसे ये पॉइंट पे हम क्या निकालते हैं, ये टेंजेंट, और ये कौन रहेगी नॉर्मल, आपको नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करने के बाद, ठीक है, और कंडीशन कौन सी दी है, व्हिच आर पैरेलल टू लाइन x + 3y = 4, यानी जो नॉर्मल है ये लाइन को पैरेलल दिया हुआ है, नॉर्मल का पैरेलल टू लाइन, ये लाइन नॉर्मल का है, ये नॉर्मल नॉर्मल जो ये लाइन होगी
एच प्लस थ्री वाई इक्वल टू फोर, इसका स्लोप कितना आएगा माइनस वन बाय थ्री, बराबर ये लाइन का स्लोप माइनस वन बाय थ्री, मतलब नॉर्मल का भी स्लोप माइनस वन बाय थ्री, नॉर्मल का स्लोप माइनस वन बाय थ्री, तो टेंजेंट का कितना आएगा थ्री, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आ जाएगा माइनस वन, वैसे भी शॉर्टकट फॉर्मूला बन जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय नॉर्मल का स्लोप, यानी टेंजेंट का स्लोप मिल जाएगा माइनस वन डिवाइडेड बाय माइनस वन बाय थ्री, कितना आएगा थ्री, यानी टेंजेंट का स्लोप कितना मिला थ्री, और टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए और कौन सी मेथड है, एक कर्व पर टेंजेंट, तो एक कर्व पे इक्विवेलेंट का आंसर निकालना पड़ता है डिवाइड बाय डीएक्स, यानी डिवाइड बाय इसका जो आंसर निकलेगा वो कितना लेंगे हम थ्री, ठीक है, और यहां से कर्व की इक्वेशन से डिवाइड बाय इसका आंसर निकालो, कंडीशन कौन सी थी कभी नहीं टेंजेंट नॉर्मल एक लाइन को पैरेलल है, वो तो दो या दो से ज्यादा भी नॉर्मल हो सकती वहां पे, ठीक है, बोलो स्टार्टिंग कैसे करेंगे हम, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व थ्री एक्स स्क्वायर माइनस डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y into dy by dx, 8 का 6x equal to 2y into dy by dx, तो बोलिए dy by dx का आंसर 3x by y, दूसरे डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये dy by dx का आंसर, उसके बाद आगे के लिमिट का लिखेंगे, बोलिए ठीक है, ये निकालना बराबर गिवन क्या दिया है बोलो नॉर्मल, पहले नॉर्मल का स्लोप बोलो डिवाइड बाय इसका आंसर, तो ये काय का स्लोप हो गया टेंजेंट का स्लोप, इन जनरल ना इन जनरल बोलते हैं, तो नॉर्मल का क्या होगा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या लिखोगे, इन जनरल ही बोलो पर्टिकुलर रेसिप्रोकल करो माइनस वन अपॉन है नहीं ये माइनस वन अपॉन थ्री एक्स बाय वन, यानी क्या आएगा माइनस बराबर, और वो जो नॉर्मल है कभी नहीं ये लाइन टू बेसी है पैरेलल, ये लाइन का स्लोप बोलो नॉर्मल पेंट करना है आपको पॉइंट पे कोऑर्डिनेट मिल गया ना, और नॉर्मल का स्लोप भी पता चल गया आप
नॉर्मल का स्लोप हमने कितना लिया था, उधर का स्लोप कितना था माइनस वन बाई थ्री, नॉर्मल का स्लोप माइनस वन बाई थ्री है, नॉर्मल ये पॉइंट पे निकल आएगा, फॉर्मूला वही फॉर्मूला देख के मालूम नाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला, पॉइंट और स्लोप पता है तो आगे हम क्या निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल नंबर वन, पहले पहले पॉइंट का निकालेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट कौन सा पॉइंट, टू कॉमा टू, फॉर्मूला वाई माइनस वाई वन इक्वल टू y माइनस y1 कितना है x बराबर y1 2 है, m कितना था माइनस 1 बाय 3 था सर, यस माइनस 1 बाय 3 था राइट, देखो तो कंफर्म कर नंबर 4 ना भाई माइनस 1 बाय 3 यस 3y माइनस 6 माइनस एक माइनस टू माइनस एक टू ठीक है, आगे दूसरा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऐसी एट कौन से पॉइंट पे माइनस टू कॉमा माइनस टू, स्लोप तो वही लेना है, स्लोप कितना लेना है माइनस वन बाई थ्री ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया हमारा फाइव, देन लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम इसी में नंबर सिक्स, आज हम टेस्ट देने वाले हैं शाम को, पता है आपको कल ही मैंने बताया था वीडियो में, आज हम पेयर ऑफ सिग्नल पे टेस्ट लेने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर सिक्स, कीप द लाइन y इक्वल टू 4x माइनस 5 टचेस द कर्व, अभी तक के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे थे, कर्व का इक्वेशन फाइंड कर, कर्व का इक्वेशन दिया था, टेंजेंट का इक्वेशन या नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, या किसी पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे थे, आपको उल्टा काम दिया है, उल्टा है ना, कैसे कर्व का इक्वेशन जो ए और बी अननोन है वो फाइंड करना है, और कंडीशन दी है आपको टेंजेंट का भी इक्वेशन दिया है, और कौन से पॉइंट पे टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट उसका कोऑर्डिनेट भी दिया हुआ है, जैसे कर्व है, जैसे कर्व ही कर्व है, यहां पे मैं पॉइंट पे क्या निकाल रहा हूं टेंजेंट, पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 2, 3 बराबर, और ये लाइन का इक्वेशन दिया हुआ है y इक्वल टू 4x माइनस 5 बराबर, टेंजेंट का इक्वेशन दिया हुआ, तो पहला रूल ये पॉइंट 2, 3 कर्व पे है तो कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा बराबर, ये लिखेंगे हम पॉइंट 2, 3 लाइज ऑफ कर्व, मतलब वो क्या करेगा कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, यानी मतलब क्या करेंगे x के बदले में 2 पुट करो, y के बदले में 3, y के बदले में 3 3 स्क्वायर बराबर, अरे कोई पॉइंट अगर किसी कर्व का है तो पॉइंट क्या करता है कर्व का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ये कर्व की इक्वेशन में x के बदले में 2 पुट करेंगे और y के बदले में 3 बराबर, अब बोलेंगे ये पॉइंट की लाइन भी है तो लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, चेक कर लो, लेकिन लाइन से कुछ मिलने वाला नहीं है, लाइन में कुछ अननोन भी है a और b, हां करके हम एक कर्व पे पुट कर रहे हैं, आप चेक करो 2, 3 या x और y के बदले में पुट करके देखो तो इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, लाइन का इक्वेशन सेटिस्फाई होता है, टेंजेंट का इक्वेशन बोलो 9 इक्वल टू 8a प्लस b, हम बोलेंगे इसको इक्वेशन अल्फा, a और b में एक रिलेशन मिला, आगे दूसरा रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, आगे ये कर्व ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट है इसका स्लोप कितना है बता सकते हो आपको, बताओ बोलो स्लोप ऑफ लाइन y इक्वल टू 4x माइनस 5 कितना है इसका स्लोप,
कि y इक्वल टू mx प्लस c की जैसा लिख रहा हमने, तो m इक्वल टू कितना है 4। अगर वो भी नहीं पता तो कोई टेंशन नहीं, टाइम पास करेंगे हम, y को सब्स्टिट्यूट करते हैं 4x माइनस y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब तो मुझे पता है स्लोप कितना आ जाएगा, माइनस 4 डिवाइडेड बाय माइनस 1 यानी कितना 4, जो हमने ऊपर भी बताया था। ठीक है, स्लोप यानी ये लाइन का स्लोप कितना है 4, ये लाइन का स्लोप 4 और ये टेंजेंट का स्लोप दोनों मिल गया बराबर, स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलेंगे हम, कितना मिला 4। अब ये टेंजेंट ये कर्व को भी है, कर्व को टच कर रही है तो कर्व की इंक्लिनेशन 0 टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा कर्व की इंक्लिनेशन से डिवाइड बाय इसका आंसर निकालो। कर्व का इक्वेशन दिख रहा है आपको y2 इक्वल टू ax क्यूब प्लस b है। अब यहां पे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, y2 का डेरिवेटिव क्या लेते हैं 2y * डिवाइड बाय dx, x3 का डेरिवेटिव क्या लेंगे 3x2 बोलो डिवाइड बाय इसका आंसर। डिवाइडेड इसका आंसर निकल आएगा, बोलिए डी बाय बाय डी एक्स थ्री ए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू वाई बराबर, और ये डिवाइडेड इसका आंसर है क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, और स्लोप ऑफ लाइन कितना था 4 था ना, वो जो बराबर लाइन है वो टेंजेंट ही थी, टेंजेंट का स्लोप कितना है 4 बराबर, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना मिला था आपको अभी 4, इसका मतलब 4 इक्वल टू क्या लेंगे 3 a x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8y इक्वल टू 3a x स्क्वायर, कर्व का इक्वेशन क्या दिया था, कर्व का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू a x डिवाइड बाय डी एक्स निकालेंगे। ठीक है, तो डिवाइड बाय एक्स क्योंकि पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है क्लियर, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय एक्स की क्या फाइंड करें वैल्यू एट 2, 3 थ्री ए एक्स के बदले में 2 वाई के बदले में 3 थ्री थ्री कैंसिल होगा कितना आएगा 4 बाय 2 कितना आएगा 2a और डिवाइड बाय इसकी वैल्यू यानी क्या आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना था हमारे पास 4 a की वैल्यू क्या रहेगी 2 और ये b की वैल्यू 2 a और b के बीच में रिलेशन था उस पे पुट करो तो आपको b की वैल्यू मिलेगी, क्या रिलेशन था 2 9 इक्वल टू कुछ भी था ना 8a प्लस b 9 इक्वल टू 8a प्लस b a के बीच में पुट करो बी का आंसर कितना आ रहा है माइनस 7 तो इस तरह से मैं ए और बी करते हैं देखिए यार डिवाइड बाय इसका जो आंसर मिला है पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है ना टेंजेंट कहां पे थी वो दिया है वहां पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है तो हमने क्या किया डिवाइड बाय इसमें पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2j2,3 यहां पे जो भी आंसर मिला वो कोण के बराबर ही था क्यों कोण के बराबर क्योंकि हमने पहले बताया था स्लोप ऑफ टेंजेंट 4 है ठीक है